मैं खा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। कह दो ना हमें आज तो, दे दो ना एक बात तो, छेड़ो ना जिस बात में खो लेना। ओ मेरी हेर हो ना खफा, ओ मेरी हेर जलना रुला ना कर आफरा। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? आप सभी बढ़िया होंगे। और गाइस ये है, मैं एक फिर नया ब्लॉग लेकर आ गया हूँ। सॉरी गाइस, बहुत दिनों बाद लेकर आया, मगर मैं अपने काम वगैरह में बहुत बिजी हो गया था, मतलब इधर उधर कुछ बिजी काम में, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो आसपास मैं घूम लूँगा, थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर लूँगा, क्योंकि बहुत दिनों का वीडियो नहीं बनाया था मैं, और बहुत दिनों का घूमने भी नहीं गया था मैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले मैंने खरीदी थी एक साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल, बहुत ही शानदार बाइसाइकिल भाई, लीडर कंपनी की है, जो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो साइकिल आखिर है तो है कैसी। और सॉरी यार, थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, मगर कोई ना, चलता है इतना तो। बाकी कंटिन्यू वीडियो में डालता रहूँगा आप लोग के लिए। सो आपको पहले मैं अपनी साइकिल दिखा देता हूँ, स्पोर्ट बाइक साइकिल, ठीक है। टन टन, ये है अपनी स्पोर्ट बाइक साइकिल, आप देख सकते हो भाई, मैंने नई बाइक साइकिल खरीदी है, कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, बहुत ही शानदार है। यही है बाई साइकिल हमारी न्यू लीडर की, जो मैंने खरीदी थी भाई, बहुत ही भक्ति है, शानदार है एकदम। और लुक आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है, ये पूरी 26 इंच की है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। और आज हम लोग किस में ब्लॉग करेंगे पता है? हमारी बाइक नहीं, हमारी बाई साइकिल में ब्लॉग करेंगे, इसमें सोलो राइड करेंगे, ठीक है। देख लो भाई, यही मेरी बाई साइकिल है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी। और आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताना कि आपको साइकिल, ये बाई साइकिल कैसी लगती है, ठीक है। और अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हो, ठीक है। सो तुम्हारा भाई अभी जाएगा जहाँ उसको जाना है, ठीक है। तो चलो, ये यहाँ 4 मिल ऑटोमोटिव शोरूम से भाई, कार के सारे। और मैं अभी हूँ मोआ में, देख रहे हो रोड तो खाली लग रही है। गाइज, मैं काफ़ी दूर आ गया राइडिंग करते हुए, मैं अभी गोल बाजार के पास में हूँ। और ये ऊपर आप देख सकते हो भाई, स्काई वॉक बोला जाता है इसको, जो मुंबई में है, जो अभी रायपुर में भर रहा है, मगर पता नहीं कब बनेगा, और पूरा सोना पड़ा है, देख रहे हो, क्योंकि हमें बहुत इंतज़ार है भाई इसका। और बहुत फ़ायदा भी होने लोगों को ट्रैफिक से बचने के लिए, ताकि लोग पैदल नहीं ऊपर से वॉकिंग करके जा सकते हो, ठीक है। दिल मेरा, तो हाँ जी दोस्तों, तुम्हारा भाई बहुत दूर से राइडिंग करते हुए आ गया जहाँ उसको आना था। मैं आया हूँ बूढ़ा तालाब, और ये बूढ़ा तालाब बहुत ही बड़ा तालाब है। एटलीस्ट आप सब बुक के बारे बुक में पढ़े होंगे कि स्वामी विवेकानंद की जी के जो टेंपल, मतलब जो स्टैचू यहाँ पर है, तो उसको मैं देखने आया हूँ। और तालाब भी है, बोटिंग भी होती है, तो अच्छा लगा मुझे आके। और मैं दिखाऊँ मेरी साइकिल कहाँ पार्क की, मैंने आपको दिखाता हूँ मेरी साइकिल कहाँ पार्क है। ये देख सकते हो मेरी साइकिल मैंने कहाँ पार्क की है, सामने में जस्ट। भाई मुझे बहुत पसंद है ये साइकिल, क्या बताऊँ, मैंने अपने कमाई से इसको ली है भाई। और आगे मेरा बाइक खरीदने का भी प्लान है, मगर मैं खरीदूँगा, मगर उसके लिए कुछ समय है। तो साइकिल तो मैंने दिखा दी, और इस जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि है तो है कैसा। ये देखो, इस जगह मैं पहली बार आया हूँ, क्या बताऊँ, मैं जब भी आता था वहाँ उधर जो आगे से दिख रहे हैं वहाँ, वहाँ से मैं जाता था, मगर यहाँ से अभी जब उसे ओपन हुआ है तब से मेरे को भी नहीं है। और वहाँ से फाउंटेन भी होता है, ये फाउंटेन अभी नहीं स्टार्ट होगा, करीबन शाम को स्टार्ट होगा। तो ये ग्राउंड है जहाँ लोग आना जाना करते हैं, तो यहाँ ये यहाँ से मैं घूमते घूमते पूरा ऐसे राउंड करूँगा, और वो जो उस व्यू है और लुक्स है वो सब मैं आपको दिखाऊँगा और इन्जॉय करूँगा, और आपको भी इन्जॉय कराऊँगा, ओके। तो चलो जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ डस्टबिन है भाई, आपको मैं ये बता देता हूँ कि कचरा कभी भी आप बाहर मत रखें, जो भी कचरा आप डस्टबिन में ही डालें, ओके। चलो, ये गेट है बहुत बड़ा, इसका ओपनिंग 5 बजे या 4 बजे के आसपास ये खुलता है। और वहाँ बच्चे लोग के लिए प्लेग्राउंड भी है, क्योंकि बच्चे लोग को जानते हैं ना, प्लेग्राउंड तो ज़रूरी है, हम तो बच्चे नहीं भाई, मगर एक बार जाएंगे जरूर वहाँ पर। और यहाँ से फाउंटेन्स वगैरह होती है, लाइटिंग्स वगैरह होती है भाई, ये देखो लाइट लगे हुए हर जगह है। और क्या बताऊँ, वो है तालाब, और वो है स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वामी विवेकानंद सरोवर, जो कि बूढ़ा तालाब के नाम से फेमस है। और यहाँ बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ,
क्योंकि जगह मेरे को बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, ये सरोवर है और बोटिंग करीबन वहाँ से बोटिंग होती है। बोटिंग आई थिंक अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं जानता मैं, अभी भी बोटिंग स्टार्ट नहीं हुई भाई, मगर जो मेरे को नज़ारा लग रहा है ना वहाँ सामने आपको दिख रहा है, वो इंडोर स्टेडियम है जिसको बोलते हैं महावीर ऐसा कुछ नाम का स्टेडियम है। और ये सनसेट आप देखो भाई, क्या लग रही है भाई, सनसेट आप देख रहे हो। नीचे से जाने के रास्ता है तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये देख रहे हो एकदम बीच में हूँ मैं, और ये है भाई बोट्स, ये देखो देखो कहाँ आ गए हम। देख क्या करूँ भाई, गाना निकल रहा है मुँह से, इतनी शानदार लग रही और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी गोवा में हूँ। देख रहे हो आप कितना शानदार है, ये ट्रैक्स है, ये इधर पानी है, अच्छा यहाँ मेनू है। हाई स्पीड बोट का 2 सीटर 150 रुपये है प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का 150 रुपये। तो गाइस यहाँ जाने वाला था मैं, यहाँ काम चल रहा है बता रहे हैं भैया, तो यहाँ से जो रास्ता है बंद है और हमको यहाँ से वापस रिटर्न लेना पड़ेगा। प्राण मेरे आगाज कर उनवान दे, अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। तो आप देख सकते हो यहाँ से तो मैं आपको दिखा दिया था कि कैसा है, लेकिन ये जो नज़ारा है ना भाई, मेरा दिल जीतने वाला नज़ारा है, बहुत ही शानदार है और अच्छा भी लग रहा है भाई देख के, कसम से मेरा दिल जीत लिया इसने। और सोच रहा था कि बहुत दिनों से कि इसके बारे में वीडियोस बनाऊं, मैं इसके बारे में वीडियोस बनाऊं कि यहाँ बस आऊं और क्या क्या मैं आपको दिखाऊं, तो आ गया मैं आज और आपको मैं दिखाया। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अच्छा खासा व्यूज़ आए और अच्छे खासे लाइक्स भी आए ताकि पब्लिक देखे और बताए कि आखिर ये है तो है कैसा। मतलब चीला बन के उसका है रेडी और यहाँ पर 2 प्रकार के चटनी है, एक हरी चटनी और एक लाल चटनी। तो भाई मुझे हरी चटनी ज़्यादा पसंद है, हरी चटनी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि हम जो जैसा जो खुद से भी निकाल के खा सकते हैं। जो गाए जैसे कोयल गुनगुनाते हुए तुम तारे टिमटिमाते, वैसे अंगना में तुम आए और सारी कायनात मुस्कराए। गाइस 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 मैं वापस आ गया, देख सकते हो अभी बाहर से गाइस करीब इस प्रकार दिखता है, यहाँ पर ऐसा लाइटिंग होता है देख सकते हो। पूरा आखिरी तक मैंने उस समय घूम के आपको दिखाया था, लेकिन ये रात का है, रात को कुछ इस प्रकार दिखता है। सारी कायनात मुस्कराए, कायनात मुस्कराए, कायनात मैं खा मखा चला चला। ये है हमारा बूढ़ा तालाब, वो शानदार लग रहे हैं भाई।